हमारे साथ यहाँ पर अनूप सर हैं और एक बच्चे से मुलाकात कर रहे हैं। अनूप सर जी। मंजुल सर, एक स्पेशल टैलेंट है हमारे पास, नक्स, और नक्स क्लास 6 में है और मुझे कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर छात्र में कोई ना कोई एक अलग अजूबा कह लो या टैलेंट कह लो, ऐसी हमारे साथ एक नक्स है, कक्षा 6 में पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं अपने पुराने दिनों में स्कूलों में पढ़ता था तो उस टाइम हमारे स्कूल में जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज निकालने वाले स्पेशल शो करने आया करते थे। और मुझे लगता है कहीं ये जो टैलेंट है ये भी भारत से कहीं विलुप्त होता जा रहा है, मगर पिछले दिनों नक्स ने जिस तरीके से हमें मिले और अपना टैलेंट हमसे इन्होंने साथ में साझा किया, तो आपको विभिन्न आवाजों का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे नक्स। तो नक्स बेटा, सबसे पहले जब किसी कोई मार्केट में हम कुत्ता लेके घुमाते रहते हैं या कोई पत्थर उस पर मारता है तो कुत्ते की किस तरीके की आवाज निकलती है सामने देखिए, तो इस तरीके की आवाज है। और देखिए ये भी अपने आप पे एक टैलेंट है और टैलेंट की कदर होनी चाहिए भारत में। इसी तरीके से इनके विभिन्न एनिमल की आवाज जानते हैं, ये खुद ब खुद उन आवाजों को निकालेंगे। जी नक्स जी, अब आपने कहा बताते चले सर, अब हम बड़े कुत्ते की और सर अब बकरी की, सर अब वो तो मुझे बिल्ली की, तो ये अपने आप एक पे टैलेंट है। और मुझे लगता है इस जो कला है जो कहीं विलुप्त हो चुकी थी, किसी पक्षी की भी आवाज निकालते हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले किसी स्पेशल डे में इनको स्टेज से इन आवाजों पर निकालने का एक मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया नक्स, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हुई। आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में बता दीजिए? सिक्स क्लास में पढ़ते हो, आपका नाम नक्स है। और आपके क्या क्या शौक हैं इसके अलावा? बैडमिंटन खेलना। बहुत बढ़िया, हॉबी आपकी वैसे बैडमिंटन खेलना है, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू।